Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and thank you so much for clicking on this video. आज की वाली नेल आर्ट ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होने वाली है और क्यूट भी होने वाली है, क्योंकि ये वाली जो है ना आप रेगुलरली इसे मतलब ये कॉलेज या फिर अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रही है तो आप ये नेल्स बना के जा सकते हो, बहुत प्रिटी लगेगी। वैसे तो स्कूल में अलाउड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर कोई फंक्शन वगैरह हो रही है, अगर कुछ उस तरीके का अटायर है आपका, तो ये नेल आर्ट आप बना सकते हो, बहुत प्रिटी लगेगा आपके नेल्स पे। और वैसे इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ये उसकी लॉन्ग वीडियो है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको पता चलेगा कि मैंने ये नेल आर्ट कैसे की। मैं बस बताना चाहती थी कि ये जो ब्रश से हम आर्ट करते हैं ना, इसके लिए बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ब्रश से आर्ट करते टाइम, और थोड़ा सा स्लोली स्लोली करना है। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई हूँ, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड में वीडियो अपलोड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हमारी वीडियो जो 10-20 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि टाइम लगता है। यू नो, ऐसे नॉर्मली नेल आर्ट करना और वीडियो नेल आर्ट का वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। यही सेम नेल आर्ट ना अगर मैं बिना वीडियो में ऐसे नॉर्मली बनाऊंगी ना, 5-7 मिनट के अंदर बना दूंगी, बट वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सब चीज़ें देख के धीरे धीरे और धीरे धीरे बनानी पड़ती है। सो आप उस हिसाब से स्लोली स्लोली अपने ब्रश को मूव करना, तब जाके आपके आर्ट बनेगी। आप थोड़े से हैंड्स ऑन हो पाओगे ब्रश के साथ, और साथ ही साथ ब्रश से आर्ट करते टाइम आप हमेशा जिस हैंड से ब्रश आप होल्ड करोगे ना, उस हैंड को अच्छी तरीके से सपोर्ट में रखना और उसके बाद ही ब्रश मूव करना। देखना आपकी आर्ट बहुत अच्छे से बनेगी, और बीच बीच में ब्रश को नेल पेंट रिमूवर से क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे ही हमारे ब्रश के ऊपर ड्राई नेल पेंट चिपक जाती है ना, उसके बाद अगर से वही नेल पेंट पिक करोगे तो जो डिज़ाइन होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और एक लेयर जैसे बन जाती है डिज़ाइन में। सो अगर आप बीच बीच में अपने ब्रश को क्लीन करते रहोगे ना, तो वो हमेशा जब नेल पेंट पिक करेगी ना, तो वो हमेशा न्यू होगी, थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी वाली भी होगी, और साथ ही साथ वो डिज़ाइन भी अच्छे से बनाएगी। डिज़ाइन के ऊपर एक लेयर जैसा आर्ट नहीं बनेगा, एक स्मूथ आर्ट बनेगा, मेरा बोलने का मतलब ये है। सो ये सब चीज़ें पॉइंट आप ध्यान में रखना जब आप ब्रश से आर्ट करो, देखना आपकी आर्ट बहुत अच्छे से बनेगी। और लास्ट में इसे एक स्मच प्रूफ टॉपर से सिक्योर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं यहाँ पे जो टॉपर यूज़ कर रही हूँ वो नायका की टॉपर है, मैं हमेशा से ही नायका की टॉपर यूज़ करती आई हूँ, बट इस बार जो मुझे नायका की टॉपर डिलीवर हुई है ना, आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, यहाँ पे मैं अपने इंडेक्स फिंगर में ना एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ किया था, क्योंकि देखो इसे रिमूव करना था मुझे और दूसरी नेल आर्ट बनानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ करते, बट वो पूरा स्मच कर दी, इसलिए मैंने नायका की टॉपर यूज़ करी है। बट मैं जल्दी इसे चेंज करने वाली हूँ, मेरी टॉपर ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना। ओके, बाय।